जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अवसेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसएफ आरओ आरएम 2023 जो आपका पेपर होने वाला है 29 यानी कल 29 अगस्त 2023 को जो आपका पेपर होने वाला है उसके निगेटिव मार्किंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है कि आपकी निगेटिव मार्किंग 1/4 की है तो आपके नंबर कितने कटने चाहिए, नंबर कितने कटेंगे। क्योंकि आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, कुछ बच्चों से मैंने रिव्यू लिया है, यहाँ पे जो मेरे गाँव में है वो तैयारी कर रहे हैं तो उनसे उन बच्चों से रिव्यू लिया है, तो वो जो पेड बैच पे अगर टेस्ट लगा रहे हैं तो वहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है और पेपर में 1/4 का लिखा हुआ है, तो माइनस में नंबर आपके कितने कटने चाहिए। जैसे एसएससी जीडी वाला तो हाल यहाँ पे नहीं होने वाला है कि क्वेश्चन 2 नंबर का था लेकिन वहाँ पे 0.5 नंबर आपके काटे जा रहे थे, वहाँ पे 1/2 की निगेटिव मार्किंग थी। तो ये बात जान लो, अगर आप एक अगर वो 0.5 का रहेगा निगेटिव मार्किंग तो उसमें लिखा रहता 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन हाँ आपका 1/2 की निगेटिव मार्किंग हो गया वहाँ पे हो गया, ये 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपके एडमिट कार्ड में जो इशू किया गया है बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का, तो उसमें लिखा 1/4 की, 1/4 मीन्स हो गया 0.25, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो है ही, एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे लेकिन यहाँ पे जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 0.25 की रहने वाली है। एसएससी जीडी वाली मान के मत चलना कि वहाँ पे आपका 0.5 नंबर काटे जाएंगे, आधे नंबर नहीं कटेंगे आपके, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यहाँ पे 1/4 आपका कटने वाला है, उसके लिए आप श्योर हो जाइए, आप अपना टेस्ट मॉक टेस्ट लगाना। फिर भी आपको मैं यही सलाह दूंगा, क्वेश्चन जितने हो सकना उतने सही करना, अगर बाद में अगर आप सब करना चाहते हो, जैसे 100 के 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो 100 के 100 तब करना जब आपको लगे कि फिजिक्स में मैंने अच्छा गेन कर लिया है, केमिस्ट्री में मैंने अच्छा गेन कर लिया है, मैथ में अच्छा मैंने स्कोर कर लिया है, उसके बाद जो आपके बचेंगे क्वेश्चन उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसे कर सकते हैं, 100 का 100 कर सकते हैं। लेकिन पहले मत कर देना, आप अगर मतलब 60-70 प्लस पहुंच रहे हो उससे पहले तो आप 30 में आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 70 अगर आपने क्वेश्चन कर लिए ठीक ठाक तो उसके बाद 30 में आप लगा दोगे तो 15 सही हो जाएंगे, 15 भी गलत हो जाएंगे, तो 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटने वाला था कि कटने वाला है। पिछली बार क्या था, 1/8 की निगेटिव मार्किंग थी यानी 0.125 था, यानी अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते तो आपका 1 नंबर कटने वाला था, यानी कहने का मतलब अगर पिछली बार का जो बच्चे पेपर दिए होंगे उनका तो अच्छा है ना, पिछली बार घोटाला भी हुआ था, ऑफलाइन पेपर हुआ था तो बच्चों का कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उनके 130-140 प्लस नंबर थे लेकिन उनका रिजल्ट में उनका रोल नंबर नहीं दिखाया गया था, तो उसमें कुछ धांधलेबाजी हुई थी, तरह तरह पता नहीं कैसा रिजल्ट इशू कर दिया था, पिछली बार बच्चों को निराश किया गया था, उस पर मैं उनके साथ रहूँगा भाई, क्योंकि ये दिक्कतें और ना आंसर की उन्होंने जारी की थी, ये भी गलत कहीं ना कहीं बात थी। इस बार आपका चलो कोई बात नहीं, 1/8 की हटा दी उन्होंने, 1/8 की पहले दी थी जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें लिखा था 1/8 की निगेटिव मार्किंग फिर से इसमें रहने वाली है, सेम एज ए प्रोसीजर वही था, लेकिन जब सीबीटी एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करवाया तब इन्होंने कह दिया हम 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखने वाले हैं, तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग से कोई भी परेशानी नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, जो मैंने कह दिया है वो कर देना आप। 70 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर दिए उसमें से आपको लग रहा 65 मेरे सही सही हैं, पूरे सही हैं, तो आपको जो 30 बचे हैं उसमें आपको तुक्का लगा देना है, अपना जो कर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो लगा के चले आना है, 100 में 100 कर देना है, नंबर आपके अच्छे बन जाएंगे वहाँ पे। ये आप आपने प्रोबेबिलिटी भाई मैथ टेक्निकल मैथ है प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा आपने कि अगर हर एक चार ऑप्शन में से तुक्का लगाना है तो वहाँ पे एक आपका क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगाओगे तो 1 क्वेश्चन पक्का सही होने वाला है, ये प्रोबेबिलिटी कहती है। तो इतना हो गया भाई, तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे, 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो यहाँ पे तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। पिछली बार क्या था, अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कटेगा, नहीं 1/8 की थी, यानी अगर फिजिक्स के आपने 40 के 40 क्वेश्चन गलत कर दिए, अब ऐसा तो होगा नहीं 40 40 क्वेश्चन आपने छुए उसमें से 40 के 40 गलत हो गए, लेकिन पिछली बार ऐसा था अगर 40 के 40 आपने गलत कर दिए तो उसमें आपके सिर्फ 5 नंबर कटने वाले थे बस, कितना अच्छा निगेटिव मार्किंग था। और निगेटिव मार्किंग ये भी था कि बच्चों के दिमाग में प्रेशर था, निगेटिव मार्किंग है, जो बच्चे ने पहले ट्राई किया था पहले घर से ही वो प्रिपेयर करके गए थे कि हाँ हम सब करके आएंगे ऐसे ऐसे कट जाएगा नंबर, तो उनका सिलेक्शन हो गया, और जो बच्चे माइनस मार्किंग के डर से थे वो आगे क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किए, उन्होंने कहा अटेम्प्ट करेंगे पता नहीं कट जाएगा सारा नंबर, तो इस बार वो डरने वाली बात नहीं है, 0.25 की नहीं आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, उसके लिए आप अटेम्प्ट करना, तो जो मैंने कह दिया वो आराम से करना, वहाँ पे एसएससी जीडी वाला हल नहीं है कि एक क्वेश्चन करोगे 2 नंबर मिलेगा और गलत पे आधा नंबर काट लिया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ ये प्रीवियस ईयर फाइनल कट ऑफ पे, तो प्रीवियस ईयर की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था 165 की प्लस गई थी, 165 प्लस थी, अब ये था यानी 250 में से था, ये ओवरऑल 250 में से था, सिर्फ 165 प्लस, तभी नंबर बहुत कम थे भाई, तो
वो था हाँ, उसमें डिक्टेशन टेस्ट भी होता है लास्ट में 50 नंबर का, तो वो भी इसमें इंक्लूड करके मैंने बताया था कि 94.25 कट ऑफ गई थी। तो मान लो आपको फिजिकल के बाद 110 पहुँच गई होगी, तभी तो इतना 50 नंबर में से 60 पहुँच गया, तो 160 प्लस वहाँ पे 165 प्लस वहाँ पे आपका कट ऑफ बनी थी। तो इसके लिए डोंट वरी, इस बार की कट ऑफ भी मैंने प्रीवियस वीडियो बना दिया है, उसमें 120 प्लस अगर आपके नंबर आ गए तो आप अपना फिजिकल की तैयारी में लग जाना, वो फाइनल कर देगा। फिर डिक्टेशन की तैयारी तो होगी भाई, उसके बाद फिजिकल में लग जाना उसके बाद। सो ये बताने के लिए मैं आया था। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।